इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से एक स्वस्थ माँ के अंदर ही एक स्वस्थ बच्चे का डेवलपमेंट होता है। हमारी ओरल कैविटी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टिथ है, गम है, टंग है, या फिर आपकी ओरल म्यूकोजा जो होती है, वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो आपके मदर के पेट से ही होना स्टार्ट हो जाती है। कोई भी महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें अपने डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर पल रहा वूम जो है, मतलब जो बच्चा है, वो उसके डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो, उसके अंदर एक स्वस्थ और एक अच्छा दांत और मसूड़ा विकसित हो सके। इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल्स में बताया गया है कि कौन से मिनरल्स और विटामिन जो हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे कि उनके बनने वाले जो बच्चों के दांत होते हैं और मसूड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहें, बहुत ज़्यादा शाइनी वाले, चमकदार और खूबसूरत रहें। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी लोग के लिए। अगर आप पुरुष हैं तो कभी ना कभी आप पिता बनेंगे, और अगर आप एक लड़की हैं तो आप कभी ना कभी माँ जरूर बनेंगी, और अगर आप महिला हैं तब तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर ज्योति पांडे। महिलाओं के लिए प्रेग्नेंट होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, सपना होता है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बहुत सारे सपना जो है वो पलते हैं। वो ये सोचते हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा तो वो किस तरीके से उनका ख्याल रखेंगी, जब वो स्कूल जाएगा तो वो कैसे टेक केयर करेंगी, और वो जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होकर के क्या करेगा, किस तरीके से वो इस सोसाइटी में अपने आप को सर्वाइव करेगा। ये सारे सपने जो होते हैं वो हर महिलाएं अपने बच्चे के लिए देखती ही हैं। तो जब भी महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें स्पेशली अपना ख्याल बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए, जिससे कि एक हेल्दी वूम जो है वो डेवलप्ड हो, इससे एक बच्चा जो है जब वो बाहर निकले तो बहुत ही हेल्दी हो, बहुत ही अच्छा हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके दांत अच्छे हो, मसूड़े अच्छे हों। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं टूथ और गम डेवलपमेंट के बारे में ही बात करूँगी। इसके लिए माँ का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी बच्चा जब माँ के पेट में रहता है, जब वो 1.5 से 2 महीने का रहता है, तभी से उसकी दांतें जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। दांतों का बनना जो होता है वो एक कली से होता है, जिसे कि हम लोग टूथ बड कहते हैं। जब 8 वीक्स हो जाता है, मतलब लगभग 2 महीने का समय जब बीत जाता है, तो इन दांतों को आप आसानी से अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे सफ़ेद जो है टूथ बड्स का निर्माण होने लगा है। तो इसीलिए अगर माँ उस टाइम पे अगर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रही है तो भी बच्चों का जो मसूड़ा होता है या बच्चों का जो दांत होता है उसके डेवलपमेंट में कमी आती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है ये 1.5 और 2 महीने के बीच में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मदर के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस को लेना। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है वो हमारे टूथ डेवलपमेंट, हमारे गम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम से हड्डियों का निर्माण होता है, हड्डियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनी हुई होती हैं। सेम उसी तरीके से हमारा दांत जो है वो भी एक हड्डी है, उसका जो ऊपर का लेयर होता है, जो इनेमल होता है, उसके डेवलपमेंट में ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसीलिए हर महिलाओं को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का इंटेक करें। आप जितना ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जैसे कि दूध है, दही है, चीज़, बटर, इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स जितना लेंगे, तिल लेंगे, सीड्स लेंगे, तो इन सारे चीज़ों में कैल्शियम जो है बहुत ही हाई क्वालिटी में होता है। इसको लेने से बच्चे की जो विकास है उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, आपके बच्चे के दांत जो होते हैं बिल्कुल चमकदार और स्वस्थ बने हुए रहते हैं। इसी समय में आपको फास्फोरस का इंटेक भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही ये फास्फोरस जो होता है वो हर सेल में उपलब्ध होता है। हर सेल में अगर कोई इंजरी हुई है तो उसको भी ठीक करने का काम यही फास्फोरस करता है। हर वो चीज़ जिसमें कि कैल्शियम होता है उसमें फास्फोरस होता है, इसीलिए अगर आप इन सारे डेयरी प्रोडक्ट्स का और सीड्स का उपयोग करते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस की जितनी मात्रा आपके बॉडी को चाहिए उतनी मिल जाती है।
आप हर किसी से कहे हुए सुनते रहे होंगे कि जब बच्चा पेट में होता है तो अपने भूख से ज़्यादा खाना खाना चाहिए। इसका मतलब यही है कि आपको जितनी न्यूट्रिशन अपने एक बॉडी के लिए चाहिए होती है, जब एक बच्चा आपके पेट में पल रहा होता है तो उस टाइम पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हर चीज़ों को लेना ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके डेवलपमेंट के साथ साथ आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार की किसी भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ना आए। तो ये तो था कि टूथबड के डेवलपमेंट में 1.5 से 2 महीने के बीच में मदर को कैल्शियम और फास्फोरस रिच डाइट लेना चाहिए। इसके साथ साथ ही उसे विटामिन डी जो है वो भी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। ये एक ऐसा विटामिन है जो कि आपकी बॉडी जो है वो खुद ही बना लेती है। बस उसके लिए आपको सुबह सुबह का जो सनलाइट होता है, जो 8 बजे वाली सनलाइट होती है, उसकी आवश्यकता होती है, उसमें आपको जाना होता है। और ये जो विटामिन डी है आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है, इसीलिए आपका विटामिन डी की डिफिशियंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ा बहुत घूमना चाहिए उस सनलाइट में, जिससे कि आपकी जो विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है जो बॉडी में होने वाली है वो सही हो सके। और अगर आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, जहाँ पर धूप नहीं निकलता है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपके जो घर का जो गेहूं और चावल होता है उसमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है। तो इन सारे चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। घर का दाल चावल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपके विटामिन डी डिफिशियंसी जो है उसको पूरा किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपके डॉक्टर जो होते हैं वो विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट्स भी चला ही देते हैं अगर ज़रूरत पड़ता है तो। विटामिन ए उसे भी बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। विटामिन ए जो है वो आपके अंदर जीरोस्टोमिया मतलब जो मुंह सूखने की जो प्रॉब्लम होती है उसको कम करता है। विटामिन ए जो है वो आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्यास लगती है। मतलब ये है कि आपके मुंह में सूखापन हो रहा है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो रही है। तो इसीलिए अगर आपका मुंह ड्राई रहेगा तो आपका जो ओरल कैविटी है वो डिफेक्टेड होगा, और आपकी ओरल कैविटी अगर डिफेक्टेड होगी तो आपका जो जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसमें भी डिजीज़ जो है वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि उसके दांत में कैविटी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी लग सकते हैं, उसके मुंह में भी सलाइवा जो है वो कम बन सकता है। इसीलिए आपको अच्छे से विटामिन ए वाले रिच डाइट जो होते हैं वो लेना चाहिए। जैसे कि विटामिन ए जो है वो गाजर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एप्पल है, टमाटर है, इन सारे चीज़ों में विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। डायरेक्ट विटामिन ए जो है वो आपके बॉडी में नहीं जाता है, वो बीटा कैरोटीन जो होता है वो जब आपके बॉडी में जाता है तो वो फिर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से विटामिन ए भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी समय विटामिन के भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन के जो है वो हड्डियों और मांसपेशियों को तो मजबूत बनाता ही है, साथ ही बोन की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, बोन जो है वो भंगुर रहेगा अगर आप अच्छे से, ये विटामिन के जरूरी है। विटामिन के जो है वो हमारा कटिंग के लिए भी ज़रूरी होता है, तो अगर कहीं पे भी कोई इंजरी हो जाएगी तो अगर विटामिन के की डिफिशियंसी है तो उस इंजरी को ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए विटामिन के की जो डिफिशियंसी है वो नहीं होनी चाहिए। तो आपको कीवी, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस, इन सारे चीज़ों का उपयोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। विटामिन सी लेने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, आप में कोई भी इन्फेक्शन जो है वो जल्दी नहीं होने पाएगा। तो अगर आप मदर हैं और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका होने वाला जो बच्चा है ये इम्यूनिटी उसके अंदर भी जाएगी और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो जानते हैं कि विटामिन सी जो है वो सारे सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंजेस है, लेमन है और स्ट्रॉबेरी है, पपाया है, सारा विटामिन सी से रिच है। और ये विटामिन सी जो है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए या फिर कोई भी हीलिंग है उसको जल्दी, अगर कोई हीलिंग अगर आप करना चाहते हैं या उसकी रिकवरी करना चाहते हैं तो उसके लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे विटामिन प्रोटीन्स जो हैं वो आपको लेना ज़रूरी है। मतलब मैं सिर्फ ये आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको विटामिन्स का ध्यान ना रहे तो मतलब आपको घर का बना हुआ एक हेल्दी और अच्छा भोजन जो है वो लेना चाहिए। पर डे ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है उसका सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। अगर एक आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके अंदर पलने वाला जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो उसके जो दांत निकलेंगे 6 मंथ में वो बहुत ज़्यादा हेल्दी, शाइनी और ब्राइटनेस वाले रहेंगे। उनके मसूड़े बहुत हेल्दी रहेंगे,
उनकी म्यूकोज़ा अच्छी रहेगी, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी ओरल कैविटी में। अगर आप में विटामिन प्रोटीन्स और छोटे छोटे मिनरल्स की अगर कमी हो जाती है, इसी से आपका होने वाला जो बच्चा होता है उसके दांतों में कैविटी बहुत जल्दी होने लगती है, दांत जो होते हैं वो घिसने लगते हैं, थोड़ा भी चोट लगता है तो दांत टूट जाते हैं, या फिर दांतों में ब्लैक ब्लैक स्पॉट होने लगते हैं, रैम्पेंट कैरीज बनने लगती है, या फिर मुंह के अंदर सलाइवा जो है वो कम बनने लगता है, उनके जो मसूड़े होते हैं वो हेल्दी नहीं दिखते हैं। तो ये सारी डिफिशियंसी की वजह से ही होती है। तो इसीलिए लोगों को स्वस्थ इसीलिए हर मदर को स्वस्थ रहना जरूरी है और अच्छा मिनरल्स और डाइट को लेना जरूरी है, साथ साथ स्ट्रेस फ्री भी होना जरूरी है ताकि हार्मोन का लेवल जो है वो बिल्कुल बैलेंस रहे, जिससे कि होने वाला जो बच्चा है उसमें कोई अदर डेवलपमेंट देखने को ना मिले, कोई और ऐसी डिजीज जो है वो देखने को ना मिले। जब मदर 5th मंथ की होती है तो मदर्स के आप अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं कि उसी समय उसमें परमानेंट उसका भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब मदर का जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे दांत और ओरल कैविटी के स्ट्रांग बने रहने के लिए। तो इसीलिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से अपना डाइट लीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट अगर आपके मन में रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हर वाली नई मदर के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयर रह सके और अपने बच्चे के अच्छे हेल्थ, अच्छे टीथ और अच्छे गम के लिए अपने डाइट में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।